आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो बिल्किस तनवीर के जहाँ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे देखिए अनम और यहाँ पे देखिए अम्मी, अस्सलाम वालेकुम मुबारक। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड साहब बेबी को खिला रहे है। बेबी दिख रहा, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक हो हमारी YouTube फैमिली को। हाय गाइस। तो यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज उनके पापा घर पे ही है, उनका ऑटो लेके गए हैं मालक घर के। तो इसलिए छुट्टी दी है तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जुम्मा का नमाज पढ़ने को जाना है अभी। तो अभी नमाज पढ़ के आऊंगा, फिर देखेंगे कल के लोग ब्लॉग बनाएंगे। तो मेरा तो सारा काम हो चुका है बस। तो बेबी देखे यहाँ पे बेबी को। तो कल हमारे ननद आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हस्बैंड साहब को भी बहुत अच्छा लगा। ट्राई कर रहे हैं बच्चे, तो क्योंकि अभी इनका स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। अभी 1 तारीख को ये बच्चे स्कूल जाएंगे और आनंद भी जाएगी, यानी देखेंगे। क्योंकि अभी इसको कुछ आ रहा नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती है, देखने का है क्या होता है। फ्रेंड्स ये जा रहे है नमाज को। तो देखिए यहाँ पे जुब्बा पहन के जा रहे हैं, तो आज घर पे है तो इसलिए उनका वीडियो। तो ये नमाज जा रहे हैं करके, तो अभी मुझे भी नमाज पढ़ने का है। तो देखिए यहाँ पे जा रहे हैं मस्जिद, तो अभी मैं भी नमाज पढ़ लूँगी। तो बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट दिए है, वो आने के बाद पढ़ाएंगे लंच होने के बाद। नमाज पढ़ के मैं जस्ट आया था, तो आने के बाद ये बाबा को खुला रहे थे, बस हो गया है। चलिए फ्रेंड्स क्या क्या होता है आप पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स नमाज पढ़ रहे हैं और बाबा को सो गया है। तो फ्रेंड्स अभी इनका नमाज होने के बाद हम खाना खाएंगे। खाना खा के आज सिर्फ बात करना है, इनकी नमाज तो गई मुकम्मल है। तो कुछ दुआ मांग रहे हैं क्योंकि तालिब की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है अभी, तो इसके नमाज हो गई। जी नमाज हो गई, लंच कर रहे थे तो उसके बाद। फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं देखते हैं। बिल्किस का जहां हमारी जान, मेरी खुद की जान, तो वहां पे देखिए वो नात पढ़ते पढ़ते कुछ पपड़ तड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको दिखाते रहते हैं हम, क्या है हमारी प्रॉब्लम क्या है बोल के। ऐसा तो और कुछ नहीं दिखा रहे हम, और हकीकत ही दिखाते हैं आप लोग को। ऐसा रोना गिना करते नहीं, तो थोड़े लोग हैं हमारे जलते हैं, जलने वाले जल जाएंगे, जलने वाले को जलने दो, हमारा काम हमें करने दो बस। तो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो और भी कुछ बातें हैं इंशाल्लाह आपको वो भी बोलूंगी मैं लंच होने के बाद। हुबड़ी से तो बहुत से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वो फुल देखते भी है हमारी वीडियो, उनको हमारे दिल से शुक्रिया क्योंकि आपको देखते हैं हमारी वीडियो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फुल भी देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा वॉच टाइम भी हमारा बढ़ रहा है। हमारे व्यूअर्स कितना ज्यादा बढ़ेंगे इंशाल्लाह उतना ज्यादा हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हम लोग। फिर बाद खाने के बाद आपको ब्लॉग में कंटिन्यू हम बात करेंगे। खाने के लिए तो देखिए जुम्मा स्पेशल दाल खाना, चटनी और पापड़ खा रहे वाला के कमेंट्स के जवाब देने आए हैं हम लोग। तो आप बोल रहे थे कि आपकी शादी कैसे भी लव मैरिज है या अरेंज, और आपकी शादी का ब्लॉग वॉग करके। मैं बोल चुकी हूँ हमारे वीडियो कैसेट नहीं हुई हमारी शादी में, ना ही फोटोग्राफी कुछ भी नहीं हुई, बस हमारी शादी हो गई। तो इसलिए आज हम हमारी शादी की स्टोरी बताने आए हैं। तो फ्रेंड्स हमारी शादी तो लव स्टोरी नहीं है, अरेंज मैरिज ही है। और पहले से ही मेरी शादी हो चुकी थी, तलाकशुदा थी मैं। तो ये मेरे भाई के दोस्त थे तो ये मुझसे शादी करे हैं। तो हमारी शादी के खिलाफ भी बहुत से लोग थे, हमारे रिलेशन में भी थे और इनके रिलेशन में बहुत सारे थे हमारी शादी के खिलाफ। और तो ऐसे ही बहुत से बहुत लोग हमें ऐसी है वैसी है मुझे भी बहुत बोले, और इनके बारे में तो कुछ बोले तो पता है ऐसा है। और फेस ऐसा होने के बावजूद भी मुझसे सबसे लड़के मुझसे शादी करे वो, और मुझे तो ज़्यादा देखने भी आए नहीं, बस एक ही बार इनके फ्रेंड्स लोग के साथ और इनके रिलेशन में जो भी है उनके साथ एक ही बार आके मुझे देख के गए, ना ही मेरा चेहरा ज़्यादा देखे वो और ना ही मेरा हैंड कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने बिना मुझे ज़्यादा ऐसे हैंड वगैरह बिना देखे कबूल करे मुझे वो।
मेरा मैं बहुत बड़ी खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे इनके सर के हस्बैंड मिले। तो क्योंकि एक तलाकशुदा को कवारा लड़का नहीं मिलता और इतने अच्छे इतने सपोर्टर करने वाला हस्बैंड नहीं मिलता, कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इन जैसे हस्बैंड मिले। आपके तो लड़के ऐसे हैं सिर्फ चमड़ा देखते हैं। तो इन्होंने एक ही बात बोले, इन्होंने लड़की को अगर कुरान नमाज पढ़ना आता है और पकाना आता है तो, क्योंकि इनके घर में पकाने वाले कोई नहीं थे तो इसलिए मुझे पकाने के बारे में भी पूछे। परफेक्टली तो नहीं आता मगर थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि तब भी मैं दो ही शादी में भी 18 साल की थी, मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी पहले 16 साल में ही हो गई थी। तो इसलिए बोल रही हूँ मैं, ये सब कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं पूछे और ना ही मेरी तहकीकात करे क्या, ये मेरी कोई तहकीकात भी नहीं करे, कुछ भी नहीं। बस लड़की को कुरान पढ़ना आना चाहिए और मेरे बाप को और मेरे भाइयों को देखना चाहिए करके इतना ही बोले, और पकाने के लिए आना चाहिए करके बोल के कर लेके गए थे, क्योंकि उनकी बहनें भी नहीं हैं और अम्मी भी नहीं है, तो इसलिए ये बात हमारे भाई से पूछे थे, वो भी हमसे भी नहीं। तो पूछने के बाद आता है करके मेरे भैया ने बोले, और भैया मुझे पूछने को भी घबरा रहे थे तो दूसरी शादी करती क्या माँ कर को। फिर एक दिन अम्मी को बोले, अम्मी मुझे बोले देख बेटा ऐसा था कोई किसी का नहीं होता, जब तक मैं हूँ मैं देखती हूँ, मैं अगर नहीं रहूँगी तो तुझे कौन देखता कौन नहीं, ऐसा बोल के मुझे अम्मी दूसरी शादी इनसे कराए। और मेरी पहली वाली तो मेरे पसंद ही नहीं था रिश्ता, वो तो रिश्ता क्या चलता था फ्रेंड्स, हुआ तो वो याद भी नहीं करना चाहती। बस अभी बात पड़ी है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली भी आप हमारी फैमिली है, क्योंकि आप पूछ रहे थे तो इसलिए आज हम लोग आपको हमारी स्टोरी बता रहे हैं शादी के हवाले से। तो पहले तो ऐसा हो गया वो अच्छे नहीं थे तो इसलिए मैं पूरा रिश्ता ही ख़त्म करी। भैया इनके दोस्त हैं पहले से ही और मेरी पहली शादी में भी आए थे, ये है कि आके खा के गए हैं, खैर के सब निबाड़े भी है ये, मगर मैं नहीं देखी फ्रेंड्स, ना ही मैं इनको देखी हूँ ना ही मैं इनको पसंद करी हूँ। बस तो शादी के सामने अम्मी और भैया मुझे एक बार बोले, क्या तू इस लड़के से शादी करोगी क्या? अगर मैं एक बार बोली थी और वो किसी और दिन मैं बताऊंगी किसी दूसरे व्लॉग में, तब राजी हुई। तो पहले की ज़िंदगी को तो मुझे वो याद भी करने को देते नहीं, मैं बोलते भी नहीं, और मैं तो खुद याद करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इनके जैसे हस्बैंड भी मुझे बहुत बड़ी जितना भी इनके हाथ में है वो सब कुछ करते हैं। बस एक ऑटो भी हो जाए हमारा संत तो इतनी मेरी दुआ है, और हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छे हो जाए और उनकी स्कूल वगैरह सब अच्छे से हो जाए। तक हमारी शादी होके 7 साल हो गई, एक दिन हम लोग तंटा करे नहीं ना ही तो गाली गलौज कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी बहुत अच्छे से चल रही है। हमारे रिश्ते में जितनी इज्जत है वैसे ही अल्लाह ताला हर किसी के जोड़े में भी ऐसे ही इज्जत मोहब्बत पैदा करे, आमीन सुआमीन। तो चलिए आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो अभी मेरी हकीकत आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह, कि मेरे रिलेशन में ना मेरी माँ थी, माँ का तो इंतकाल होकर 1 साल हो गया था, और हमारे बाप थे और दो भाई थे, मैं एक मिला के 3। तो हमारे जो फैमिली में फर्स्ट था मैं, किसी की मैरिज नहीं हुई थी, फर्स्ट मैरिज मेरे को ही देख रहे थे। तो मम्मी का इंतकाल होने के बाद 1 साल के बाद देख रहे थे घर पे, तो देखने से पहला मेरे को उनका भाई जो कासिम है बाहर रहता था सऊदी में, मेरी बहन है, थोड़ा ऐसा उसका हैंड वगैरह प्रॉब्लम है तो थोड़ा चेहरा भी प्रॉब्लम है। इनको खुद मेरा भाई बोला, इनको खुद इनके रिश्ते के लिए नहीं बोले थे वो पहला, तो दूसरा अगर रिश्ता मेरी बहन को है करते हो बोला कि मेरे को एक रिश्ता चाहिए मेरी बहन को, ऐसा उसका तलाकशुदा होकर वो घर पे है, वो घर पे रहती है अगर बोल के। तो मैं बोला कि तू टेंशन कुछ मत ले, अगर मेरी निगाह में अगर रिश्ता होगा तो देखूँगा अगर मैं बाहर तो देखने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोला। तो मैं तो सोचने के बाद कुछ अब्बा को बोला, कुछ हमारे भाई को बोला, कुछ हमारे रिलेशन को बोला। तो बोलने के बाद आजू बाजू लोग से राय मशवरा किया और मेरे दोस्त से राय मशवरा किया। तो उस टाइम में मेरी दोस्तार भी ऐसी थी, क्योंकि दहरी में भी था तो कुछ दिन में ज़्यादा था मैं, तो ऐसा उनके हिसाब से मैं बात किया। बात करने के बाद सबको एडवाइस लिया तो सब जने बोले अच्छी बात है, क्योंकि करना बहुत अच्छा है, सरकार की सुन्नत भी है, ऐसा बोल के वो लोग बोले मेरे। तो बोलने के बाद मैं बोला उसको, एक मंथ में उनको मैं जॉब दे दिया क्या करके, ठीक है वैसे मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह। कर लेने के बाद वो बहुत खुश हो गया, तो वो बोला कि कल जाके तो मेरे बहन को देख दिया, देख करने के बाद मेरे को क्या है सो बोल, तो इंशाल्लाह मैं दो दोस्तों के साथ में चले गए। जाने के बाद मुझे देखा, मैं ये आए बैठे सामने, तो उसमें मैं सामने था, ये भी मेरे सामने थे। तो इनके अम्मी ने बोले, देखो बाबू चो क्या पूछते पूछो, इनको बोलो मैं इतना ही पूछा उनको, अगर ये पहले पूछ लेगा कुछ भी अगर इनके जहन में है तो इनको सोचने के लिए मत बोलो, इंशाल्लाह मेरे को तो पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लड़की तो बहुत अच्छी है, मैं इंशाल्लाह मैं अपनाने के लिए राजी हूँ, तो मैं इनको कर लेता हूँ बोल के।
तो मैं इनको बोला बड़ों से राय मशवरा करता हूँ, पर बोल के वो चले गए। तो बोलने के बाद बाद में जो रिलेशन हमारे मम्मी के सिस्टर्स को बोला, बोलने के बाद ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा नहीं बोले, तो बोलने के बाद वो इनको एक मरतबा बुला लेके आए। बुला लेने के बाद ये देखे, इनको देखने के बाद बोले नहीं नहीं तनवीर तेरे लिए सही नहीं नहीं है लड़की, वो तो मत कर सकते तो बोल रहे आप करने के लिए शादी। लड़की तो अच्छी है, मेरे से छोटी है, मेरे से बड़ी तो नहीं है, मैं उनसे 3 साल का बड़ा हूँ, वो मेरे से 3 साल की छोटी है। तो बोलने के बाद मैं बोला प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का मेरे से, तो बोले तो बोले नहीं उसका बदन जला है और वो हैंडीकैप है, उसको काम करने नहीं आता है, पकाने के लिए नहीं आता है, वो तो चला वो चेहरा देख तू तो अनमैरिड है, वो तो मैरिड होके आके ज़िंदगी करके उसको मालूम है, तो 1 महीना ही कर देंगे कि ज़िंदगी 6 महीना ही कर देंगे, उसको तो तजुर्बा है, तेरे को कुछ भी तजुर्बा नहीं, तेरी तो नहीं शादी अभी नहीं हुई है, पर कि मेरे को एडवाइस दे। वो बोले मना हमना तो राजी नहीं है, तेरे को अच्छा मिल जाएगी लड्डू जैसा रहता है, बेहतर लड़की हम देखेंगे तेरे को, तो मना कर दे रिश्ता। तो मैं और बड़ी भी है बोले मुझे, तो मैं बोला आपकी खुशी रही तो मेरी शादी में आके आप रुक के आपके जो बहन को भी अच्छा लगेगा जो इंतकाल हुए हैं हमारे अम्मी, तो उनकी रूह को भी खुशी हो जाएगी। मैं बोला तो बोला मैं इसी को कर लूँगा तो इसी को कर लूँगा, नहीं तो शादी नहीं कर लूँगा। लेकिन मैं बोला बोलने के बाद 1 महीने के बाद कार्ड वगैरह छापे, कार्ड गिर जाए छापने के बाद इन्विटेशन दे दिए, देने के बाद जो फिर आए सिर्फ कितने 500 कार्ड छापे, हमारे बनाए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस काम करते हो, छापने के बाद बांट दिए सब, शादी वगैरह हो गया 1 मंथ में। 21 मई को हमारी शादी हो गई, अभी तक भी एंड तक भी वो क्या बोल रहे थे वहाँ कैसा थी कि अगर इसका प्रॉब्लम था होगा, ये लड़की सही नहीं रहेंगी, अच्छी है गरीब घर की है और शादी बहुत सबसे पाक है और पढ़ी लिखी शादी है, मेरे को दूसरा क्या भी नहीं चाहिए, बस अच्छी से शादी होगी। और गरीब हालत से भी हमारी शादी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी से हुई। इनकी शादी घर के पास ही करके दिए मेरे को, स्टेज वगैरह डाल के और कंडल कंडल डाल के, और निकाह जो हुआ मस्जिद में हुआ, तो हमारी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बहुत खुश था। और मेरी एडवाइस मैं आपको ये बनाता है वो अल्लाह बनाता है, तो ये मेरी ज़िंदगी ऐसा होने के बाद ये मुझे मिले, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी ज़िंदगी में ये आए, क्योंकि इनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी मुझे आज तक कुछ भी मुझे महसूस होने ही नहीं दे कि मेरी पहले भी ज़िंदगी हुई थी, को मैं समा मैं आती है सिर्फ अभी मैं बोल रही हूँ, वैसे तो मुझे बोलने देते भी नहीं, और वो ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ याद भी करती नहीं, क्योंकि मैं खुशी नहीं थी, तो मैं याद करके करूँ तो क्या करूँ। और मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, सारे लोग दिल साफ से अपना दिल साफ रखो, बस सीख हम लोग दे रहे हैं, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप बोले हम उसे भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जेस भी पहले बोलते हैं जेस मत दियो करके बोलते हैं, फिर रिश्ता जब क्या बोलते हैं रिश्ता जब घट तय हो जाता है घट हो जाता है तो तब बोलते हैं हमारे बेटा है इसको ये दो उसको वो दो, बाद में एक चीज़ निकल कर आती है। ये ऐसे है कि अभी तक हमारे अम्मी ना ही इनको सोने की अंगूठी दी, ना कुछ भी नहीं डाले हमारे घर में इनको, ना ही कुछ भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ हमारे भैया की खुशी से हमारे भैया इनको पैसे दिया, मैंने गलती नहीं तो दिया, वो हमारे भैया शादी के लिए दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी बहुत अच्छे से हुई। शादी को दिया था शादी कैसा है मालूम, सिंपल एक कुर्ता और एक अमामा और एक जैकेट है, शादी बहुत अच्छी सी सिंपल सी शादी। और अच्छी बात तो ये है बहुत सारा मैं फोटो डालूंगा वली में, उसमें वो वली में का डालूंगा जरूर, आप देखिए इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से शादी हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी शादी के खिलाफ हमें अभी भी लोग हमें देख के चलते हैं, ये वीडियो बनाते हैं और इसकी शादी ऐसे होने के बाद भी इतनी हस्बैंड के साथ खुश रही है, बहुत से लोग हैं हमारे ऊपर चलते हैं और बहुत हम प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार से रहते हैं फ्रेंड्स। हम लोग मोबाइल में हर चीज दिखाना जरूरी नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं दिखाते हैं, जिस तरह हमारे मियां बीबी में प्यार मोहब्बत है, अल्लाह ताला हर किसी के भी जिंदगी में जो मियां बीबी है उनको ऐसा ही प्यार नसीब करे, और ऐसे ही मियां बीबी एक दूसरे को समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी वक्त आता है खाने को तक हम लोग तरसे हैं, फिर भी ना ही मैं हमारे अम्मी के घर गई ना भी हम लोग जिंदगी गुजारे हैं, बहुत लड़के जिंदगी गुजारे हैं, तो इतना जिंदगी गुजारने के बाद आज हमारी लाइफ को यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रखा है। बस क्या है मैं बहुत एक मिडिल क्लास हूँ, इतना ही बस, मैं दूसरा आगे बोलूँगा नहीं। और हमारी सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि हमारी फैमिली तो नहीं है, आप हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली है, मैं आपको मेरे दिल का दर्द और ये आपको दिल का दर्द ना ही, और वैसे भी हम लोग दिल का हाल बताएं तो किसे बताएं, ना ही मेरी बहन है ना ही तो इनकी बहन है, तो 5 भाई है अल्हम्दुलिल्लाह,
मगर भाइयों से तो दिल की बात बोली नहीं जाती, आपको तो पता है फ्रेंड्स लोग। हाँ कुछ बहने भाई ऐसे रहते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, भाई बहन दोस्तों की तरह रहते हैं, वैसा रहते हैं वो, मगर हमारे जो फैमिली में है वैसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, मेरे भाई और बहनें हम लोग, तो बस दूर से ही हम लोग खुश रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों के भी कमेंट में बरकत दे। तो हमारे भाइयों ने आज हमें मिलाए और हमारा इतना अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजरी और हमारे चार बच्चे भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप सब लोग दुआ करिए, मेरा चैनल भी जल्द से जल्द आगे बढ़े। इसलिए मैं आप लोग को बताने का कारण तो यही है कि हमारा चैनल ग्रोथ हो जाए और हम वो जो लोग हमें बुरा मानते हैं और बुरा चाहते हैं हमारा, वो लोग को हम कुछ आंसर दिए, आंसर देना है और वो लोग को पता चले कि ये यूट्यूब से क्या होता है करके मैं आपको बताऊं। तो हमारे इस यूट्यूब से हमें बहुत कुछ मिलता है और जो भी गरीब लोग है यूट्यूब चलाओ, आप सपोर्ट करेंगे तो फैमिली आगे जाएगी और आपको याद करेंगे और आपके सपोर्ट लगेगी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे हैं हम लोग, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यहाँ के लेवल के हो जाएंगे हम लोग। बस आप लोगों की दुआ, आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों में अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा हमारी स्टोरी, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी शादी की स्टोरी कैसी लगी। अभी बताएंगे तो बहुत है हमारा, अगर पूरा दिन भी बताएंगे ना तो भी कम पड़ेगा। तो बस हम थोड़ा थोड़ा ही आपको बताए हैं, गलत तो नहीं दिखा रहे हम, तो कपल है, कपल हो के आप डरते क्यों हो करके मुझे यही बोलते हैं ये बार बार। हर जो भी ब्लॉगर आते हैं घर पे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, बोलते हैं ओपन तुम डरना के ब्लॉग बनाओ, डरना के ब्लॉग डालो, इसलिए हम डरते हैं। और चंद लोग बोलते हैं हमको मत लो शूट करो, हमारा फेस हमारा छुपाओ, हम ब्लॉग में मत लो आप, हम ना क्या, वो आए तो अच्छा है, बेहतर नहीं आए तो अच्छा। अगर आप फेस लो नहीं वो नहीं करके आप हमें बुलाते हैं तो आप बुलाइए मत हमें, नहीं बुलाना ही मत हमें, बुलाते भी क्यों? देखो हर एक को मरने के बाद जवाब देना है, ये अल्लाह सीखे हैं, ये तो जानते हैं, हर एक बच्चा बचना है, मरने के बाद अल्लाह के बारे में जाना है, हर एक को हिसाब देना है। इसमें बहुत से यूट्यूब चैनल मैं बोलता हूँ जो भी हमारे इस्लामिक चैनल वाले मालूम है ना कुछ कमाते हैं, कुछ ना कुछ पैसा आता है बोल के, अगर वो अमीर होंगे तो वो गरीब को कुछ हेल्प करते हैं, तो इस चैनल का भी एक रीजन होता है। अगर ये अमीर है तो ये चैनल चला रहे हैं तो ये गरीब की हेल्प करना जरूरी है। हम तो गरीब है, हम कर रहे हैं तो हमारा ये हक है, हम ये चैनल बनाना, हमारा वीडियो बनाना करके हमारा हक है इसमें। देखिए भाई मैं अमीर बनाना करके नहीं, आपकी गंदी सोच है वो चंद लोगों की, मरने के बाद हर एक जवाब देना है, सब जानते हैं। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, आप अपना देखो हम हमारा देखेंगे, बस किसी को खींचना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, किसी को बारे में चुगली करना नहीं है, किसी के बारे में रोना नहीं है, क्या भी नहीं, बस अपना अपना काम करो, क्योंकि हर एक अपना अपना काम में खुश है, बस हमें भी अपना अपना काम करने को बस। तो बस मैं और ये दो खुशी है, खुश है हम दो, मियाँ भी खुश है, तो तीसरे का इसमें काम क्या है। मैं तो यही बोलती हूँ कि इनके जैसे हस्बैंड मिले, मैं बहुत नसीब वाली हूँ और मैं इनको मैं बहुत प्यार करता हूँ और हम भी खुश है। तो चलिए इसी तरह प्यार बांटते रहिए और दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। हर एक का अच्छा सोचिए, खराब मत सोचिए, अच्छा ही सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हो तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।